देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्म है वो इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज लाइफ है, और जब इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज लाइफ है तो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं उसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक रहा राइट्स का सवाल, तो अगर उसके अंदर हम इंस्पायर्ड बाई हैं तो हमें कोई राइट्स किसी से लेने की जरूरत नहीं है, कि सारी चीज़ें जो है पब्लिक डोमिनियन में है, और पब्लिक डोमिनियन में जो चीज़ें होती है उसमें कोई राइट्स लेने की जरूरत नहीं है। आज जो इंसान यहाँ नहीं है, अगर हम उसके बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम किससे राइट लेंगे? कोई भी किसी की ज़िंदगी का जो है कॉपीराइट होल्डर नहीं हो सकता। आज समझो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, उन पर पिक्चरें बनी हैं, जो जीवित इंसान हैं डेफिनेटली अगर उस पर मैं कुछ बनाते हैं या मेरी वाइफ कुछ बनाती है, राहुल कुछ बनाता है, तो उनसे हमें परमिशन लेना है। परंतु जो इंसान अब नहीं है और हम उसके एक बेटरमेंट के लिए बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी परमिशन की जरूरत है। सो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, चाहे वो CBI हो या NCB हो, ED, दे हैव स्टिल नॉट अराइव्ड एट अ कंक्लूजन, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये सारी एजेंसी जो है वो बिल्कुल तह तक जाती है। पुलिस में और CBI और या बाकी एजेंसीज में यही फ़र्क है कि पुलिस जो है अपना तुरंत जो है ठोकम पीट करके जो भी नतीजा लाना होता है वो ला देते हैं, परंतु ये सारी एक्सपर्ट एजेंसी हैं और ये बिल्कुल तह तक जाती है। अगर आपको ख्याल होगा तो मेरे फर्स्ट इंटरव्यू के बाद जो है CBI हट गई थी और नार्कोटिक्स जो है वो बीच में आ गई थी, और मैंने खुले डंके की चोट पे कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ तक जो है इस ड्रग्स का सेवन हो रहा है, और अल्टीमेटली वो मेरी सारी बातें प्रूव हुई, और जिस एरिया में मैंने कहा था उस एरिया में ही उनकी रेट पे जो है सारा कुछ मटेरियल इनको मिला है। तो एक वकील होने के नाते हमारा अपना भी एक जो है कहीं ना कहीं एक विंग काम करती है। हम जब कोई भी केस लेते हैं तो हम अपने हिसाब से भी उसको जो है स्टडी करते हैं, और चूँकि इस केस के अंदर मैं इन्वॉल्व था, बिल्कुल डीप में गया हूँ, तो मुझे पता है इसमें क्या है क्या नहीं है। और CBI वगैरह का जो है मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी कोई रिजल्ट आना भी नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है मैंने अपनी वाइफ को और राहुल को कहा और उस पर से उन्होंने पिक्चर बनाई। सर, ये फिल्म का नाम न्याय द जस्टिस है और सुशांत सिंह के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है, तो इसमें क्या सुशांत को इसमें कुछ न्याय मिल पाने की संभावना नजर आती है क्या? मतलब दर्शक इसमें क्या देखते हैं? देखिए, अंत क्या है वो तो अभी मैं नहीं बता सकता, वो तो आप पिक्चर देखेंगे तभी पता चलेगा। प्रोड्यूसर राइटर जो है वो ज़्यादा बेटर उसको बता सकते हैं, और मैं नहीं समझता कि वो अभी रिवील करेंगे। परंतु ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि सारी चैनल्स ने कसम खाई थी कि हम न्याय दिला के रखेंगे, काफ़ी लोगों ने कसम खाई थी और आज सब लोग भुला चुके हैं, मगर कम से कम इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स जो हैं उसको नहीं भुलाए हैं और वो डेफिनेटली उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये फिल्म भी जो है एक प्रयास है कि उसको एक जस्टिस दिला सके। TV न्यूज़ जो है आज आपने देखी, कल आप उसको रिपीट करके नहीं देखते, मगर फिल्म जो होती है वो परमानेंट रहती है। जैसे कहावत है कि आज का अखबार जो है वो कल का रद्दी पेपर है, किसी को हमने ये नहीं देखा कि पेपर पहले दिन का उठा के देख रहा हो, तो उस हिसाब से जो न्यूज़ जो चली थी वो उस ढंग की है। परंतु अगर एक कोई फिल्म है या उस पर वेब सीरीज़ है तो डेफिनेटली वो लाइफ लॉन्ग रहती है, 100 साल बाद भी लोग देखते हैं और डेफिनेटली उसका असर लोगों पर होता है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी। और सर, जो इस केस के बाद और लोग भी सफर किए हैं, सुशांत की तो डेथ हो गई और बाकी लोग जो एसोसिएटेड थे उसके हमें क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है उसके बाद? सर, ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है जिस हिसाब का स्ट्रेस ये लेते हैं आर्टिस्ट, एक बार आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते हो, आपको अपना स्टेटस रखना है, आपको अपने आप को मेंटेन करना है, आपको अपने हेल्थ वाइज जो है आपको क्लब भी जाना है, जिम भी जाना है, मगर आपको अगर काम नहीं मिलता तो आप कैसे मेंटेन करेंगे अपने आप को? और जब वो मेंटेन नहीं कर पाते तो डेफिनेटली उस स्ट्रेस के अंदर जो है कई आर्टिस्ट अपने आप को जो है बिल्कुल ये स्टेप ले लेते हैं। सर, लेकिन ये 8 साल में जो सफ़र रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें काम तो मिल रहा था उसको एंड वो सुपरस्टार ऑलमोस्ट बन चुका था, लेकिन सारे जो जितने भी कैंप्स है बॉलीवुड में उन लोगों ने रोक लगाई उनके करियर पर। मैं उस टॉपिक पे फ़िलहाल नहीं जाऊँगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही थी,
मगर उसके साथ साथ में ये भी है कि उनके इर्द गिर्द जो भी थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उनको इस धन तक परेशान कर दिया था या उनकी हालत ऐसी कर दी थी कि वो आगे काम नहीं कर पा रहे थे। एक हीरो की जो है बॉडी लैंग्वेज होती है, हीरो का अपनी एक स्टेमिना होती है, परंतु उनको जिस लाइन में वो ले गए, जिस हिसाब से उन्होंने उनके साथ जो है गलत काम किया है, तो वो अपनी स्टेमिना जो है उतनी नहीं रख पा रहे थे, तो शायद एक ये वजह थी कि वो काम नहीं कर पा रहे थे। एंड फिल्म फिल्म की रिलीज डेट देखिए प्रोड्यूसर्स बताएंगे, बाकी जहाँ तक मेरा ख्याल है वो अंदाजा 1-1.5 महीने में फाइनल होके निकल जाएगी। सर आपने जो फिल्म प्रोड्यूसर आपकी वाइफ ही है, आपने फिल्म जब देखी होगी तो कितने सेटिस्फाइड हैं आप इस फिल्म को देखकर? मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। मैंने काफ़ी रशेज देखे हैं और रशेज देखने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ कि वाकई में उन्होंने अच्छा काम किया है। जो जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, डेफिनेटली उनकी जो तारीफ करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है सुशांत को न्याय दिलाएगी, लोगों के जहन में जो है एक बार फिर सुशांत की याद जो है वो ताज़ा होगी, और लोगों का प्यारा था, लाडला था, और काफ़ी लोगों ने उनके लिए जो है उनके मरने के बाद जो है दुख जताया, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये फिल्म जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक पत्थर की लकीर बन के निकलेगी। एंड अभी जो हाल ही में सुशांत के फ्रेंड ने भी सुसाइड किया है जी, तो ऐसे भी कुछ लोगों ने बोला है कि काफ़ी सदमे में थे वो भी। सदमा हर एक को लगा है, क्योंकि आज एक पर्दा जो है, फिल्मी पर्दा जो है, वही एक एंटरटेनमेंट का साधन रह गया है। अदरवाइज़ बच्चे जो है आप देखेंगे हाथ में कंप्यूटर मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, मगर फैमिली के साथ में अगर आपको कहीं बैठना है तो एक फिल्म ही साधन था, और फिल्म के जरिए ही जो है लोग अपना एंटरटेनमेंट करते थे कि भाई 3 घंटा हम आराम से जा रहे हैं थिएटर में देखते हैं, आप घर में भले ही पिक्चर देख लो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, मगर जो मज़ा थिएटर का है वो कहीं नहीं है। और सुशांत जो है थिएटर का लाडला था, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों ने जो है उसको उनको सदमा लगा है, और अगर उसी वजह से किसी ने अगर सुसाइड किया होगा तो कोई मैं समझता हूँ बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली कई लोगों को ऐसा सदमा लगा है जो सुशांत के न रहने से जो है, डेफिनेटली एक गलत चीज़ है अगर किसी ने सुसाइड किया है, मैंने भी पेपरों में पढ़ा, गलत चीज़ है, ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मगर फिर भी सदमा जो है डिपेंड करता है हर आदमी पे, कौन कितना बर्दाश्त कर पाता है कौन नहीं कर पाता है, तो शायद वो बहुत क्लोज थे और उस वजह से उन्होंने स्टेप किया होगा। और कंगना रनौत ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि फिल्म इंडस्ट्री गटर है, तो इसके बारे में नहीं, देखिए कंगना जी ने जो इन जनरल जो इल्ज़ाम लगाया कि फिल्म इंडस्ट्री गटर है, वो भी तो उसी गटर से निकली है, तो ये कहना एक बहुत गलत बात होगी कि आपने जहाँ खाया वहीं पे आप उसको बोल रहे हो गटर है। ठीक है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस होगा, उनके साथ कहीं कुछ गलत व्यवहार हुआ होगा, वो बात अलग है। अदरवाइज़ आज आप देखिए बम्बई में रोज़ जो लाखों लोग आ रहे हैं उनमें से कई लोग आपको जो है इस इंडस्ट्री के लिए आते हुए मिलेंगे, तो गटर कहना एक गलत बात है। हो सकता है हर लाइन में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो एक्सेप्शन लोग हैं यहाँ, वो हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो मैं नहीं मानता फिल्म लाइन एक गटर।